आज है मेरा रोजा, सहरी कर रहा है ये भी। मैं भी रोजे रखूंगा। तो गाइस अभी हम लोग टाइम देख रहे हैं कि इफ्तार टाइम क्या है। कोड़ को वापस लेके कहाँ जा रही हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छे से गोद नहीं लेती। यहाँ पे अभी पढ़ रही है सबने नमाज और यहाँ हमारी सहरी बनकर हो गई है तैयार। गाइस मुझे और भूख लग गई तो मैं ये खाते खाते इधर आ गई हूँ मैगी लेने के लिए। जल्दी बनाओ यार, टाइम बहुत कम है। चैलेंज हो गया इधर। तो रूम खुलता है और ये लड़का आ जाता है जल्दी से। ये जो मैगी थी ये आटा नूडल्स थी, तो मुझे वो वाला नहीं पसंद है, इसलिए अभी मैं इसमें डालूंगी ये मैजिक मसाला। जल्दी डालो यार, टाइम कम है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना ये वेजिटेबल मसाला जो था अभी का, बस बिल्कुल थोड़ा सा डाल। हाँ। बिल्कुल थोड़ा। ये भी आ गया है यहाँ पे। ये हम लोगों के पीछे पीछे ही रहेगा जहाँ जहाँ जाएंगे हम। ये हम लोगों के पीछे ही है कासा। और इसको हम लगाएंगे 6 मिनट पे। पता नहीं यार हो भी पाएगा या नहीं। नहीं हो पाएगा, शायद ही हो पाएगा। कासा का बिस्किट भी खाली हो गया, तो हम चलो बिस्किट में भर देते हैं। ये लो ये लो ये लो, उधर उधर। सहरी कर रहा है ये भी। गाइस आज हम लोगों ने एसी चला लिया है, वो भी किसी से बिना पूछे। और सबने मकासा के लिए चलाया, सबने मना किया था कि भी एसी मत चला, लेकिन हम लोगों ने चला लिया है। हम लोग मकासा पे नाम लगा देंगे कि मकासा ने चलाया है। व्लॉग, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी मैंने सहरी खाई थी रात को और अब हो गया नेक्स्ट डे और आज है मेरा रोजा और सबका भी है। तो अगर आप लोगों का रोजा है तो आप लोग कमेंट करके बताना। और अभी मैं आई हूँ नमाज पढ़ के, फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ अपना। और ये हमारा इस साल का फर्स्ट रोजा है और इसके बाद तो फिर रमजान भी रखेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और पता भी नहीं चल रहा कि रोजा रख रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठी हूँ सोकर, तो इसलिए तो पता चलता भी नहीं है। और अब बस थोड़ी देर में फिर हम इफ्तार भी खाएंगे, तो भूख लग रही है थोड़ी बहुत, लेकिन चलेगा, अच्छा लगता है। यही तो होता है रोजा रखने के बाद। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है, तो इस व्लॉग को पूरा देखना। आपको पता है मैंने आज के लिए एक अलग आउटफिट लिया था जो कि एक बहुत अच्छा सूट है, और यार वो मैं नहीं पहन पाई। वो मैं इसलिए नहीं पहन पाई क्योंकि उसकी फिटिंग नहीं हुई है, और जब तक वो फिट नहीं होगा तो वो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। वो बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा है, तो मैं रमजान में तो जरूर आपको पहन पहन के दिखाऊंगी अपने अच्छे अच्छे कपड़े। और ये तो मैंने पटना में लिया था, वो आप लोगों ने मेरी मम्मी के व्लॉग में देखा होगा कि मैंने एक दिन पहना था वहां पे और फिर आज पहना। तो गाइज आप लोगों को पता ही होगा रमजान आने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग करेंगे अपना प्री शूट जो कि होगा बाहर का, क्योंकि रमजान में मैं बाहर जाकर शूट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, और ना मुझसे होगा यार रोजे में, तो बिल्कुल मैं बाहर नहीं निकल पाती। अगर मैं बाहर निकलती मुझे इतनी प्यास लग जाती है कि फिर मुझे पानी चाहिए ही होता है। तो फिर मैं सारा काम जो अपना ऐसा वाला कुछ भी जो बाहर का है वो सब मैं पहले कर लूंगी। तो उसके लिए मुझे अपना पूरा रूटीन लिखना पड़ेगा, और जो कि मैं कल ही रात को लिखने वाली। फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे क्या लिखती हूँ। और ये है मेरा बोर्ड जिसपे मैं लिखूंगी सारा कुछ। तो मेरा मार्कर कहाँ है? मार्कर ही नहीं मिल रहा यार हमें, हमारी ये हर चीज ऐसे गुम हो जाती है। चलो मैं आपको मार्कर लेने के बाद मिलती हूँ। तो फाइनली मुझे मेरा मार्कर मिल गया है, मैं पूरा ढूंढ कर आई हूँ और फिर मुझे मिला है। चलो अभी हम लिखते हैं अपना, हमें क्या क्या करना है, कब कब क्या शूट है। तो चलो बताओ क्या क्या कब कब है। मकासा भी आ गए यहाँ पे और अभी अपना ये रूटीन लिखवा रहा है मुझसे कि इसको क्या क्या करना है। हमारा भी देख रहा है कि क्या क्या हम बनाने वाले वीडियोस, क्योंकि हमारी हेल्प करता है बहुत ज्यादा, है ना मकासा? मकासा बोलो कुछ। मैं काम करता नहीं, काम बिगाड़ता हूँ। I want problem। लड़का भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। आज इसका भी रोजा है वैसे, ने सहरी भी करी थी हम लोगों के साथ। 2 महीने का बच्चा कभी रोजा रखता है? देखो ये तो रखता है। मैं भी रोजे रखूंगा। कूदा तो ये उछल कूद करता रहता है। भागा, भागा, भागा। चला गया ये अम्मी के पास जाके, इफ्तार में बनाई तो अम्मी के पास जाके बैठा है। तो हम ऐसे जल्दी से स्नीक पीक आपको दिखा देते हैं कि अभी तक हमने इतनी वीडियो का सोचा है कि ये करेंगे। तो अभी हम लोग सोच ही रहे तब से जब से मैंने आपको दिखाया। तो मकासा यहाँ पर आकर किचन में पता नहीं क्यों बैठा है, क्योंकि इसको शायद रोजा लग रहा है आज और ये भूख लग रही होगी। लेकिन अभी अभी इसने खाया भी है, फिर भी आके बैठ गया, क्योंकि अम्मी जब किचन में काम करती है तो आके बैठ जाता है। और यहाँ पर हमारे लिए कुछ आज के लिए फ्रूट्स भी आ गए हैं जो कि अभी धुलेंगे और फिर कट होंगे। ये गेट खुलते ही भाग जाता है, दत्ता बच्चा हो गया।
मुझे लग रही है थोड़ी बहुत भूख और टाइम हो रहा है 5:05 ऐसे ही बज गए पता भी नहीं चला। बहुत मतलब यार लग रहा है ऐसे पेट से आवाज आ रही थोड़ी बहुत ऐसे गुड़ क्योंकि अभी आदत नहीं है ना ऐसे भूखे रहने की। लेकिन मैं रमजान व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत ही जल्दी और रमजान व्लॉग मैं आपको अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगी क्योंकि ये वाला तो नहीं हो पाया लेकिन फिर भी रमजान व्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे आएंगे और मकासा का भी डेली रूटीन दिखाऊंगी मैं। तो गाइस अभी हम लोग टाइम देख रहे हैं कि इफ्तार टाइम क्या है। इफ्तार टाइम है, जल्दी बताओ यार बहुत भूख लग रही है। अभी ऑलरेडी 5:40 हो चुके हैं। 6:33 मतलब कितना टाइम बचा अभी? एक घंटे नहीं 40 मिनट्स। 40 मिनट्स और है। इस बीच हम अब खाने पीने की चीज तैयार कर लेते हैं ताकि और भूख मिटती जाए। तो चलो खाने पीने की चीज तैयार करते हैं। लेकिन अच्छा है, मजा आ रहा है, रमजान की थोड़ी बहुत आदत होगी हमें अभी से ही, लोग प्रैक्टिस में लगे हैं। चलो अभी देखते हैं कि अभी क्या बन रहा है किचन में। अभी तो किचन में कोई है ही नहीं, मैं आ गई हूँ। क्या क्या है? पापा भी आए हैं सामान लेकर कुछ कुछ। कैसा लग रहा है समलीन? बहुत मजा आ रहा है, रमजान वाली फीलिंग आ रही है। हाँ सच में बिल्कुल रमजान। अभी समलीन पता मुझे ये दिखा रही थी जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर इफ्तार की तैयारी चल रही है। अभी बिल्कुल 6 बजने वाले हैं और 6:30 पे है हमारा इफ्तार टाइम। बस थोड़ा सा टाइम बचा है अभी और बस अभी हम लोग खाने पीने की चीजें तैयार कर रहे हैं और यहाँ पे मकासा सो रहा है। मकासा को गर्मी बहुत लगती है और ठंड के टाइम पे उसे ठंड बहुत लगती है, गर्मी के टाइम पे गर्मी बहुत लगती है। उसके लिए हमने एसी ऑन कर लिया, वो भी बिना सर्विस किए हुए रात को। तब वो इतने आराम से सोया, इतना अच्छा लग रहा था उसको और हम लोग भी उसकी वजह से आराम से सोए क्योंकि एकदम से गर्मी बढ़ी और फेस चेंज हो गया, ठंड से गर्मी आ गई है। और हाँ, आने वाले ब्लॉग्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। और मैं थोड़ी लेट हो गई अभी अपलोड करने में ब्लॉग क्योंकि मैं पटना से यहाँ आई थी, उसके बाद मुझे बहुत सारे शूट्स करने पड़े क्योंकि मैंने वहाँ कुछ नहीं किया था काम, तो आते ही एकदम सारा काम करना पड़ा। तो अब मैं रेगुलर रहूंगी बिल्कुल। और अगर अभी तक आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो चलिए इस वीडियो को लाइक करो और पहुंचा दो इस वीडियो को, जितने लाइक्स आप लोग दे सकते हो दे दो। वैसे ही मैं देख रही हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स मकासा के साथ वाले ज्यादा पसंद आते, तो मैं ज्यादातर मकासा के साथ ही बनाती हूँ क्योंकि यार मैं और यही तो है सिर्फ, और हम दोनों आपके साथ आपको एंटरटेन करेंगे। अब मैं ज्यादा सोने में जाते हूँ वरना मुझे मकासा काट लेगा कि मुझे सोने नहीं देती। मैंने बिछा दिया दस्तरखान और अभी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सारा इफ्तार। चलो भाई काम करो, को वापस लेके कहाँ जा रही हो? चलो भूख इतनी लगी कि मेरा मन कर रहा रखती रखती खा जाऊंगी यार। सच में अभी बज रहे हैं 6 और दिल कर रहा है, और अभी पता क्या दिल कर रहा है कि बस पानी मिल जाए ठंडा ठंडा। पानी नहीं यार, मेरा दिल, मुझे प्यास लग रही है। भूख दिन में लग रही थी, दोपहर में अब नहीं लग रही, लेकिन अलग ही मजा, एक अलग ही। हाँ बिल्कुल रमजान लग रहा है, पर रमजान में इससे भी ज्यादा मजा आता है। किस किस को वेट है रमजान का जल्दी बताओ कमेंट में। अगर आप लोगों को वेट है तो जल्दी से बताओ कि हाँ हमें वेट है। आगे लेकर आओ सामान, चलो। स्टार टाइम है तो मकासा उठेगा अभी। चलो मकासा को मैं अभी लेकर जाती हूँ, और नहीं यार सोने देते हैं अभी थोड़ी देर और। इतने प्यार से सोता है ये कि मेरा मन ही नहीं करता इसको उठाऊं। आप लोग मुझसे पूछते हो कि ये ब्लू कलर का क्या लगा है यहाँ पे इसके, तो ये एक दवाई है जो इसके डॉक्टर लगाते हैं इसको क्योंकि इसको इन्फेक्शन है। तो जब तक ये जब डॉक्टर को विजिट करता है तो डॉक्टर ये दवा लगा के भेजते हैं इसको, और जो कि लगा रहता है। आप लोग मुझसे किसी ने मुझसे स्नैपचैट पे पूछा और लिख के बोला कि दी आपने होली क्यों खेली मकासा के साथ, तो नहीं यार मैं होली क्यों खेलूंगी, मैंने तो होली खुद भी नहीं खेली। और अगर आप लोगों ने मुझे स्नैपचैट पे ऐड नहीं किया तो जल्दी जाकर ऐड करो, आपको मेरी आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी, वहां पर जाओ मुझे ऐड करो, वहां पर मेरी बहुत सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम से भी ज्यादा एक्टिव वहीं पर हूँ क्योंकि मुझे वहां पर मतलब जो भी होता है मैं वहीं पर जल्दी से डाल देती हूँ, जो भी होता है अपडेट रहती हूँ, तो वहां पर जाकर मुझे ऐड करो। और अभी आप लोगों को हमारा रूम बहुत खाली लग रहा हो क्योंकि हमने अपने रूम का कारपेट जो है वो हटा दिया है और अभी हम चेंज करने वाले उसको। अभी मैं थोड़ा बहुत सोच रही हूँ कि हम अपना रूम का ट्रांसफॉर्मेशन भी करें, यार बहुत ही पुराना पुराना सा हो गया। ये मिरर वाली साइड जो है ये मुझे कुछ चेंज करना है इसमें, ये वाला ठीक लगता है लेकिन ये जो वॉलपेपर है ना यहाँ से ये खराब हो गया है, तो इसको चेंज करेंगे। मकासा को हम लोग इफ्तार के लिए उठा रहे हैं, जल्दी उठाओ उठाओ और ले चलो क्योंकि ये भी भूखा है शायद। आया तो इसने बहुत अच्छे से है, सहरी में भी और अभी भी, लेकिन फिर भी हम इफ्तार में इसको साथ बिठाएंगे। चलो चलो मकासा यहाँ देख रहा है कि ये सारा कुछ क्या लगा है यहाँ पे, तो मैं बता दूं कि ये सब है इफ्तार। तो
गाइस मैं आपको मिल रही हूँ इफ्तार के बाद अभी, और इफ्तार के बाद ऐसी नींद आई खाने पीने के बाद कि मतलब मैं सो ही गई, और इतना मतलब पता ही नहीं चला कि टाइम इतना हो गया, 9-10 बज रहे अभी और मैं सोती रह गई। तो अभी मैं मतलब शाम को ही मेरे पास कुछ पार्सल आया था जो कि मैंने ऑर्डर किया था नायका से। इसमें बहुत सारा मेकअप है और कुछ चीजें मुझे फ्री भी मिली है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले मैंने मंगाया है अपने लिए एक बॉडी लोशन, क्योंकि मुझे ये वाला बॉडी लोशन बहुत ज्यादा पसंद है बहुत। तो आप लोग कहते हैं कभी कभी स्किन केयर दिखाने के लिए अपना, मैं दिखाती तो नहीं हूँ इतना कभी भी रूटीन अपना, लेकिन आप लोग अगर बोलोगे कि अलग से कोई वीडियो बनाओ स्किन केयर वाला तो जरूर बनाऊंगी। और जो मैंने आपको ट्रेन वाले ब्लॉग में बताया था कि मैंने पाउडर लगाया जिसकी वजह से मेरा मेकअप हटा भी नहीं है, वो पाउडर ये था, ये है ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर, और जिसके साथ मुझे फ्री मिला है ये शुगर का मिनीज, और ये इसमें 4 लिपस्टिक्स हैं। और फ्री चीजें देखने के बाद तो मजा ही आ जाता है यार, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। ये देखो इसमें 4 लिपस्टिक्स हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैं, अब मैं शेड्स देखूंगी कौन से कैसे हैं। और ये हमारा ब्लश, और हमने मतलब अभी जो चीजें मंगवाई है वो यही मंगवाई है जो कि हमारी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि पटना जाने से पहले शायद हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ बेस की शॉपिंग की थी, कुछ फाउंडेशन या कुछ लिया था, ज्यादा कुछ नहीं लिया था क्योंकि वहाँ इतना हम लोगों ने डेली मेकअप किया नहीं जो खत्म हो। और हमने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर जिसमें से एक मेरा है ना, इसमें से मजा आ रहा है, मन कर सब कुछ लगा लूं। लिप का भी है, तो एक लिप चीक क्रीम है, ये बहुत प्यारा कलर है बहुत। और ये हमने मंगवाया एक लिपस्टिक का शेड जो कि आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ना यही लिप पे आएगा, बहुत प्यारा, मैं अभी लगा कर देखूंगी। 2 शैम्पू हमें फ्री मिला है इसके साथ, और एक ये जो लिपस्टिक है ये मुझे मन कर रहा है मैं लगा कर देखूं, तो मैं लगा कर देखती हूँ। बहुत नेचुरल है बहुत। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जो चीजें मैंने अभी मंगवाई है वो अगर आप लोगों को मुझे लगाते हुए देखना है कि मैं कैसे यूज करती हूँ तो मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो बनाऊंगी इसके। और मकासा भी कह रहा है कि मुझे भी मेकअप करना है, क्यों मकासा? लेकिन मकासा को तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है, ये इतना वाइट है और कैसे कर रहा है ये देखो, हाथ में नहीं आता अब ये, बिल्कुल इधर उधर करना है इसको। मकासा भी आप लोगों से कुछ कहना चाहता है, बोलो मकासा। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मकासा को हमारी पोल का पता चल गया है, पोल उसने खोल दी है कि हम लोग लगाते हैं मेकअप इसलिए थोड़े बहुत ठीक लगते हैं, क्या हो गया कोई बात नहीं है, मकासा तो अपने घर का ही मेंबर है। तो ये भी खत्म होती है मेरी वीडियो, क्योंकि अभी रात हो गई है और मुझे ये ब्लॉग एडिट करके डालना भी है कल, और फिर मुझे शूट करने के लिए भी जाना, जैसे कि मैंने आप लोगों को रूटीन अपना दिखाया था कि बहुत सारा है। तो रमजान के ब्लॉग्स भी आने वाले बहुत ही जल्दी, आपके अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले जो आप लोगों को पसंद आएंगे। तो यही पता होती है मेरी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये लड़का मेरे हाथ में आता नहीं है। अब मैं और मकासा आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।